क्वेश्चन फोर में कह रहा है यहाँ पे हमें फाइंड वैल्यू ऑफ ए के वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे तो यहाँ देखिएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा लिख ले ताकि समझाना आसान हो जाए। 6/2 जो है 3√2 -2√3 इक्वल टू जो होता है 3√2 -a√3। चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं, 6/3√2 -2√3 इंटू 3√2 +2√3 /3√2 +2√3। या माइनस प्लस इसलिए करते हैं ताकि हमारा यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक हो जाए, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे हो गया 6, 6 मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 18, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ 18√2 हो गया, और फिर हो गया 6 × 12√3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, 9 × 18 हो जाएगा, और माइनस 2 × 4, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें से 6 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 × 18 3√2 हो जाएगा, माइनस 6 × 12 2√3 हो जाएगा, और यहाँ 12 × 6 18 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस जो है प्लस है जी +2√3। आपका आंसर ये आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, 3√2 से -a√3 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 3√2 दिया, 3√2 दिया है, यहाँ √3 है, लेकिन एक माइनस ए का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।